हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिस्टर कुमार, आपका स्वागत है। एंजॉय योरसेल्फ। आइए, कम। ओह मुकुल। हे कार्तिक, कम, वेलकम। हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ आर यू? नमस्ते। मैं तुम्हें याद कर रहा था। पार्टी में तुम्हारे बिना मजा ही नहीं आ रहा था। एकदम सुनी सुनी लग रही थी। देखो, तुम लोगों ने याद किया और मैं आ गया। यार सिर्फ पार्टी में मजा नहीं आ रहा, कुछ रंग रंग जाओ। लेकिन 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 पहले तुम लोग मेरे बेटे से तो मिलो। अरे हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेटा? वो रहा देखो। हेलो अंकल, आई एम जय। तुमसे कब से मिलना चाहती थी मैं, फाइनली आज मिलने का मौका मिल रहा है। आई एम नितिन और ये मेरी बीवी तनु। अरे नितिन भाई, तुम्हारा बेटा कहाँ है? हाँ यही है, अभी बुलाता हूँ। अपूर्वा जी डैडी। अरे ये क्या, आप दोनों ने मास्क क्यों उतार दिए? पार्टी का सारा मजा खराब हो जाएगा। अरे वापस पहन लेंगे, पहले इससे मिलो। ये है जय, तुम्हारे कार्तिक अंकल का बेटा। हाय जय। हाय अपूर्व। और हाँ अपूर्व, जय को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पार्टी में अकेला है। जी मम्मी पक्का। कम ऑन जय। या ओके। हाय गाइस, मीट माय न्यू फ्रेंड जय। हाय जय, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन। आई एम समीर। हाय जय। ओह हाय, नाइस टू मीट यू। या क्वाइट स्केरी ना? हाँ। अरे अप्पू, मैंने सुना है कि इस बंगले में एक ऐसा कमरा है जहाँ आत्माएं रहती हैं। अबे ये जगह ही इतनी डरावनी है कि यहाँ आत्माएं नहीं रहेंगी तो और कौन रहेगा, और इसीलिए तो ये हॉरर पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, समझा तू? अरे यार ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। व्हाट नॉनसेंस यार, इन सब बातों में मैं विश्वास ही नहीं करता, आत्माएं होती नहीं है। अरे पर मैंने सुना है जो भी उस कमरे में गया आज तक वापस नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहाँ है वो कमरा, मुझे दिखाओ। अरे ये वाला कमरा, मैं जाके देखता हूँ उसमें। नहीं जाओ, तुम नहीं जाओगे। क्या हुआ बेटा? डैड ये उस कमरे में जा रहा है। अरे तो क्या हुआ? डैड आज तक जो भी वहाँ पे गया है कभी लौट के नहीं आया। ये कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे अपूर्व बेटा, ये मेरा बेटा है। अरे ये फॉरेन में पढ़ के आया है भाई, एक इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता यार। जाओ बेटा जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जाओ। जय, जय बेटा। मैंने तो पहले ही कहा था मत भेजो उसको अंदर। जय, जय, जय बेटा, मजाक करना बंद करो बेटा, बाहर आ जाओ, बहुत हो गया मजाक। जय दरवाजा खोलो। जय, 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 क्या हो गया वो दरवाजा नहीं? जय, जय, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है अंदर। जय, 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 खून, जय, सर अगर मुझे पता होता है कि मेरा बेटा वाकई में अंदर जाकर गायब हो जाएगा तो मैं उसे कभी भी अंदर नहीं भेजता। देखिए घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, मिल जाएगा वो। चलिए दिखाइए जरा कमरा कहां पर है। सर खून पड़ा यहां पे। देखिए यह लगता है ये उस लड़के का ही खून होगा। हाँ सर, काफी ताजा है, एक दो घंटे पहले का लगता है। सचिन देखना जरा आसपास कहीं खून है क्या। सर सर खून सिर्फ यहीं पे पड़ा है, बाकी कमरे में कहीं पे भी खून नहीं है सर। ऐसे हुआ होगा तो यार
जिसने भी किया उसने इस लड़के के सिर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे यहाँ से उठाकर बाहर ले गए, इसलिए कहीं पर भी खून नहीं है। सर बाहर लेके कहाँ से गए होंगे, दरवाजे के बाहर तो ये सब खड़े थे। तो फिर ये गायब कैसे हो गया? हवा में तो गायब नहीं हो सकता था। कोई तो रास्ता है यहाँ इस कमरे में बाहर जाने का, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। सर, सर मैंने तो पहले ही मना किया था इस कमरे में मत आना, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इस कमरे में आत्माएं रहती है। आत्मा इतना कुछ नहीं होता समझे, और अब हम आए हैं ना तब पता लगाएंगे ये कौन सी आत्मा है जो लोगों को गायब कर रही है, समझे। बात चलकर देखते रहे। यहाँ पे भी खून है सर। हाँ देखो जरा आस पास कहीं और भी खून है क्या? नहीं सर और कहीं पे तो खून नहीं है। ये इस जगह पे ड्यूटी तुम ही करते हो? जी हाँ साहब, दिन रात मैं ही रहता हूँ। तो तुम्हें तो जरूर पता होगा कि जय को यहाँ से कौन लेके गया? नहीं साहब मुझे नहीं मालूम साहब। ड्यूटी पे सो रहे थे क्या? नहीं साहब, ड्यूटी पे कैसे सोएगा साहब? तो पता कैसे नहीं? तुम्हें ये तो मालूम है ना यहाँ से एक लड़का गायब हुआ? हाँ वो तो मालूम है साहब। तो यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? रास्ता तो है, पीछे की तरफ एक गेट है, लेकिन साहब वो तो हमेशा बंद रहता है। बंद रहता है? जाओ जरा जाके देखो। ये है ना यहाँ का दूसरा गेट? हाँ साहब ये। इसके अलावा कोई और गेट है क्या? नहीं साहब और कोई गेट नहीं है, और ये भी हमेशा बंद ही रहता है साहब गेट। सचिन यहाँ पे भी खून है। तो ये देखिए ताले के साथ किसने छेड़छाड़ की, मतलब गेट खोल के बाहर गया है यहाँ से। शायद डिब्बे की चाबी से खोला होगा फिर वापस बंद कर दिया। सर इसका मतलब है कि वो लोग जय को यहीं से लेके गए होंगे बाहर। इडले ये इडली वाले और चाय वाले काफी देर रात तक धंधा करते हैं ना? हाँ सर कुछ लोग तो लेट से चलाते हैं सर। चलो सामने जो इडली वाला उससे पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो। खिड़की में से तो जय को लेके जाना नामुमकिन है, ग्रिल एकदम मजबूत है। देखो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के खीले निकाल के जय को बाहर निकाल दिया और फिर जल्दी से वापस खीले लगा दिए। इतना टाइम कहाँ होगा किडनैपर्स के पास, और वैसे भी तो उनके हाथ पैर कांप रहे होंगे। सर जय को बाहर कहाँ से निकाला होगा इन किडनैपर्स ने? वही तो, ना बाहर से अंदर आने का कोई रास्ता है ना अंदर से बाहर जाने का, और फिर भी जय इस कमरे में से गायब हो गया, एक बंद कमरे में। कैसे? नहीं विवेक, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर है यहाँ से बाहर जाने का, होना ही चाहिए। सर इस वक्त इस खून की कुछ छींटों के अलावा हमारे पास और कोई सबूत नहीं है सर। एक मिनट, अच्छा विवेक सर खास बात देखी तुमने इन खून के छींटों में? वो क्या सर? ये खून के छींटे
बिल्कुल गोल है, बिल्कुल गोल, और बाहर की तरफ फैली हुई है ऐसे। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब है विवेक, कि खून की बूंदें ऊपर से गिरी है, ऊपर से, छत से। मतलब सब वो लोग जय को छत से लेके गए। बिल्कुल, छत से लेकर गए। काम करो, छत पर चढ़ जाओ, देखो है कोई रास्ता जो अंदर से बाहर निकलता है। जल्दी चलो। इडली भाई साहब, तुम अपना ये इडली का धंधा हमेशा यहीं पे लगाते हो? हाँ, पर क्यों? मुझे एक बात बताओ, कल रात को यहाँ पे एक लड़के को किडनैप करके ले जाते हुए देखा कुछ लोगों को सामने वाले घर में से? अयो सर, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा सर, क्योंकि मैं तो रोज रात को जल्दी चला जाता है सर घर। वो देख रहे सामने, वो चाय वाला, वो देर रात तक रुकता सर, और सुबह 4 बजे आ जाता सर। उससे पूछिए सर, उसे ज्यादा पता होगा सर। ठीक है। आइए आइए साहब, चाय पीजिए। चाय बाद में पी लेंगे, पहले तुमसे कुछ पूछना है। मैं पहले चाय पीजिए साहब, बाद में पूछ लेना। देखो हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? कुछ गलती हो गई है साहब क्या हमसे? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई। तुम ये बताओ, कल रात को 12 बजे के आसपास तुमने सामने वाले घर में से किसी को भागते हुए देखा? कुछ डरावने चेहरे वाले लोग बाहर आए थे साहब। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे शायद साहब, रात के करीब 12 बजे थे। जैसे ही बाहर आए, गाड़ी में बैठ के उस तरफ चले गए। कार कौन से रंग की थी और नंबर वगैरह देखा तुमने? नंबर तो याद नहीं साहब। हाँ साहब, कार सफेद रंग की थी और साहब कार लंगड़ा के चल रही थी। कार लंगड़ा के चल रही? शायद गाड़ी का टायर पंचर था। मतलब सर, एक टायर पंचर होते हुए भी वो लोग गाड़ी यहाँ से लेके भाग गए? सचिन, पंचर बनवाने के लिए कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना? बस सर। चलो इस रास्ते पे जितने गैराज और टायर वाले हैं वहाँ पूछते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं नहीं विवेक, ध्यान से देखो जरा, कोई ना कोई तो रास्ता होगा अंदर जाने का। वो लड़का कोई हवा बनकर तो बाहर निकल नहीं आया। देखो। यस सर। एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ, छोड़ दो, चलो आ जाओ। सर एक मिनट सर, ध्यान से करो। फिर क्या हुआ विवेक, अटक गए वहीं पे? सर बंद कमरे में से गायब होने का रास्ता मिल गया। अच्छा, रास्ता है अंदर उतरने का? सर आप फिर से कमरे में आएंगे प्लीज? ठीक है। हाँ विवेक, है ना बाहर जाने का रास्ता? हाँ सर, यहां से एक आदमी आराम से निकल सकता है। वेरी गुड वर्क विवेक, चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। यस सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या? सर किडनैपर्स ने छत पे से जय को कमरे के अंदर से बाहर कैसे निकाला होगा? छत पे या कमरे में कोई रस्सी वगैरह है ही नहीं। इसलिए विवेक, एक ही तरीके से एक काम हो सकता है। एक आदमी नीचे आया होगा, उसने जय के सिर पर वार करके उसको बेहोश किया और फिर उसे ऐसे उठाकर ऊपर वाले के हाथ में थमा दिया और फिर उसने खींच लिया उसे ऊपर। मगर सर ये सारा काम 3-4 मिनट में कैसे हो सकता है? छत से रास्ता बनाना, नीचे आना, जय को जख्मी करना, फिर वापस खुद निकल जाना, किडनैपर्स को ज्यादा टाइम लगा होगा सर। ये काम किसी आम आदमी का काम नहीं है। ऐसा काम तो कोई वही आदमी कर सकता है जो यू नो सर्कस में काम करने वाले होते हैं या जिमनास्ट होते हैं।
वही ये काम कर सकता है। कार्तिक से पूछते हैं। कार्तिक। हाँ सर। हाँ कार्तिक, कार्तिक ये बताओ क्या जो लोग पार्टी में थे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ सर, सब लोग यही हैं। क्या उनमें से कोई जानता था कि जय यहाँ इस कमरे में आने वाला था? पहले से कोई भी नहीं जानता था सर, ये सब तो अचानक हो गया। नहीं 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 कार्तिक, ये अचानक नहीं हुआ है, ये पूरे प्लानिंग के साथ हुआ है, पूरे प्लानिंग के साथ। वो जो भी कोई था यहाँ पार्टी में मौजूद था, फिर यहाँ की छुप कर बैठा था, वो जय का इंतजार करते हैं। सर देखिए गैराज सामने। हाँ वो पार्टी वाले जगह यहाँ से बहुत नजदीक है, चलो चल के देखते हैं। सर हो सकता है ये गैराज रात में भी खुला हो? हाँ अगर रात को ये जगह खुली नहीं है तो आगे चल के पूछना पड़ेगा। अबे बाजार में हर रोज नई नई गाड़ी आ रही है, हर गाड़ी का मैकेनिज्म अलग अलग होता है, पहले तू सीख ले, किसी से पूछ ले, फिर हाथ लगाना गाड़ी को। अरे सर तो आप ही मुझे ट्रेनिंग पे भेज दो ना किसी कंपनी में। अच्छा मैंने तेरे को नौकरी पर रखा है, अब तू बोलेगा बापू मेरी शादी भी करा दो, तो भाई तू अगले गैरेज में चला जा, वो तेरे को ट्रेनिंग पर भी भेजेगा और शादी भी करा देगा। ले तेरा काम तो हो गया। हाँ साहब इसको लेके जाना है तो लेके जाओ। हम लोग यहाँ कुछ पूछताछ करने आए हैं। नई गाड़ी के बारे में? नहीं पुरानी गाड़ी के बारे में, हम लोग सीआईडी से हैं। साहब हम पुरानी गाड़ी नहीं बेचते साहब। पहले आप पूरी बात तो सुनिए, ये बताइए कि यहाँ कल रात कोई सफेद रंग की गाड़ी लेके आया पंचर बनवाने के लिए? तीन चार लोग थे उस कार में। नहीं साहब अब मुझे तो कुछ नहीं मालूम, ये मैकेनिक लोग बता सकते हैं साहब। क्यों भाई कोई आया था रात में यहाँ? हाँ सर कल रात 12:30 बजे के करीब एक सफेद कार आई तो थी और तीन आदमी भी थी उसमें। वो लोगों ने पंचर बनवाया था? पंचर तो बनवाया था सर, लेकिन बहुत जल्दी में थे साहब और ज्यादा पैसे देने की बात भी कर रहे थे। तुमने उन लोगों का चेहरा देखा? चेहरा तो देखा था सर, लेकिन पंचर बनाने के चक्कर में ठीक से ध्यान नहीं दे पाया। वो लोग क्या बात कर रहे थे कुछ सुना तुमने? सर उसमें से एक तो मेरे पीछे ही पड़ गया, जल्दी करो बोल। तो फिर उसे एक फोन आया और जैसे उसने हेलो कहा तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्यों ऐसा क्या हुआ? सर ऐसा लग रहा था कि कोई फोन पे उसे डांट रहा था, मैं भी अपना सारा काम छोड़ के उसे ही देख रहा था। मतलब आदमी कुछ बोला ही नहीं चुपचाप खड़ा रहा? सर वो फोन पे कह रहा था कि भाई गाड़ी पंक्चर हो गई है इसलिए हम वक्त पे नहीं पहुंच गए, जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाती है तो हम आधे घंटे में पार्सल लेके पहुंच जाएंगे। पार्सल? सर ये पार्सल कहीं जय के बारे में बात तो नहीं कर रहे थे? उन्होंने जय को डिक्की में डाला और बाहर वालों से पार्सल कह रहे थे। और वो लोग आधे घंटे में कहीं पहुंचने की बात कर रहे थे, इसका मतलब है वो जगह यहाँ से आधा घंटे की दूरी पे है। अच्छा थैंक यू वेरी मच। इसकी ट्रेनिंग और शादी करवा दो। हाँ साहब आप आएंगे ना शादी में? हाँ कोशिश करेंगे। सर इन लोगों ने अगर जय को कहीं छुपा के रखा है तो ऐसी जगह पर रखा होगा जो जगह बंद होगी। कोई जरूरी नहीं है सचिन, फिर भी चल के देखते हैं आधे घंटे की दूरी पे ऐसी कोई जगह है क्या। हो सकता है जय को इसी जगह पे छुपा के रखा हो उन लोगों ने, ये जगह घर से आधे घंटे की दूरी पे है। जगह काफी सुनसान दी है, जगह तो देख के कोई भी आदमी ना जाए। आजकल ऐसे बंद पड़ी हुई फैक्ट्रीज और घर में ये गुनेगार अपना अड्डा बना रहे हैं। सचिन तुम इस तरफ देखो, अगर कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे फौरन आवाज देना। सचिन मर चुका है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस ये जय है सर। जय? तो लोगों ने इसे किडनैप करके यहां पे लाके मारा। हमें देखिए चाकू सीने में।
मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही सचिन, अगर उन लोगों को इसे मारना ही था तो वहाँ पार्टी में मार सकते थे, यहाँ पे ना कि मारने की क्या जरूरत है? फिर इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। चलो बड़े फॉरेंसिक लैब भिजवाते हैं। जी, इस चाकू पर जितने भी उंगलियों के निशान हैं सब उठा और इसके खून की भी जांच करो। जी। आइए। डरो नहीं, आइए। आओ कार्तिक, आओ। देखो जरा इस लाश को, क्या पहचान दे हो तुम इसे? सर ये मेरा बेटा जय है सर। क्या दुश्मनी थी सर इसकी किसी से, क्यों मार दिया इसको? देखिए संभालिए अपने आप को, प्लीज संभालिए, जो होना था वो हो चुका है, हम लोग खूनी को बहुत जल्द पकड़ लेंगे, आप प्लीज संभालिए अपने आप को। सर ये मर नहीं सकता सर, ये नहीं मर सकता, ये तो वहां पहुंचा ही नहीं था। क्या क्या मतलब? ये घर पे था मेरा बेटा। संभालिए संभालिए प्लीज। सर लगता है बेटे की मौत के सदमे की वजह से मानसिक संतुलन हिल गया इनका। एक बात देखी तुमने, बार बार कह रहा था कि उसका बेटा वहां पहुंच ही नहीं सकता, वहां पहुंच ही नहीं सकता, इसका क्या मतलब हो सकता है? कार्तिक जी, आपका बेटा पार्टी से गायब हुआ था ना? और ये वही है? ये वो नहीं है सर, ये मेरा बेटा जय है सर, मेरा जय, वो चला गया मुझे छोड़ के सर। ये क्या चक्कर है सर, का बेटा पार्टी से गायब हुआ था और ये वो नहीं है, बाद में बोल रहे हैं कि ये इनका बेटा जय है, बात कुछ और ही है सर? कुछ अलग ही चक्कर है। जय मेरा बेटा जय। प्लीज प्लीज अभी आप जाइए। सर इस लड़के का खून उस खून से मैच कर रहा है जो हमें वहां फर्श पर मिला है। क्या? जी जिसकी लाश मिली वो तुम्हारा बेटा है और जिसका अपहरण हुआ वो तुम्हारा बेटा नहीं है, ये चक्कर क्या है? क्या चक्कर ही है? हाँ सर, वो मेरा बेटा नहीं था, वो सूरज था, मेरे बेटे जय का दोस्त। अच्छा, तुम्हारे बेटे जय का दोस्त, मतलब तुम पार्टी में सूरज को लेकर गए, अपने बेटे जय को नहीं है? क्यों, जय को क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि मेरे बेटे जय की जान जान खतरे में थी सर। ये घुमा फिरा के बात करना बंद करो, साफ साफ बोलो, मालूम है तुमने क्या किया? अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी और के बेटे की जान को खतरे में डाल दी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था सर कि ऐसा हो जाएगा। तुम्हारे बेटे की जान खतरे में थी, कैसे? सर मेरा बेटा बाहर फॉरेन में पढ़ रहा था, आज तक किसी ने भी, हमारे रिश्तेदारों ने भी उसे नहीं देखा था। तो क्या बचपन से ही भेज दिया था उसे पढ़ने? नहीं सर, बचपन से नहीं भेजा था उसको, लेकिन काफी दिन हो गया था। आगे बताओ। मुझे कुछ कागजात उससे सिग्नेचर करवाने थे, इसीलिए मैंने उसे इंडिया बुलाया था। जैसे मैंने उसको फोन किया, उसके तुरंत बाद मेरे पास एक फोन आया। फोन? हाँ सर, उसने मुझे बोला कि अगर मेरा बेटा इंडिया में पांव रखेगा तो सब मेरे बेटे का खून हो जाएगा सर। किसका फोन था? वो मुझे नहीं पता सर। कौन हो सकता सर जिसे इसके बेटे के आने से नुकसान हो सकता है? कौन है जिसे गम था इसके बेटे के आने का? होगा कोई इसी के आसपास का, कोई रिश्तेदार या दोस्त? क्यों? मुझे नहीं पता सर, मैं बहुत ज्यादा डर गया था सर,
इसीलिए मैंने जय के दोस्त सूरज को जय बनाकर यहाँ बुलाया। तो फिर असली जय आया कैसे यहाँ पे? सर, मेरा बेटा जय और सूरज दोनों एक साथ इंडिया आए थे और मैंने ही उनको एक बंगले में छुपाया था चोरी से। क्यों? ताकि किसी को पता न चले कि जय इंडिया आ गया। मैंने मेरे बेटे को बोला भी कि जब तक मैं पार्टी से ना आ जाऊं, बाहर ना जाए और ना ही कभी दरवाजा खोले। तो इस जगह के बारे में किस किस को मालूम था? सर, जय, सूरज और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। सिर्फ तुम तीनों को ही मालूम था तो फिर किसने मारा जय को? शायद किसी वजह से घर से बाहर आ गया होगा, तभी मार दिया किसी ने। नहीं सर, वो बाहर आ ही नहीं सकता था। तो फिर ये हुआ कैसे? कैसे हुआ ये? किसने मारा उसे? ये फैक्ट्री में अदला बदली तो नहीं हुई? मतलब जिन्होंने भी सूरज को किडनैप किया, उन्होंने जय को मार के उसकी लाश वहां पर फेंक दी और सूरज को लेकर भाग गए वहां से। लेकिन किडनैपर्स को कैसे पता कि असली जय कौन है और नकली कौन? सर, घुमा फिरा के सारी बातें इस पे आके अटकती हैं। वही तो। कार्तिक, वो घर दिखाओ जहां पे तुमने जय को छुपा के रखा था। फ्रेडी, तुम लोग इस कार्तिक की जन्म कुंडली निकालो। यही घर है? हाँ सर, यही वो घर है जहां मैंने जय और सूरज को रखा था। ताला तोड़ने के निशान भी नहीं है। सचिन, देखो कुछ मिलता है क्या? पता तो चले क्या हुआ होगा यहां पर। ये कहां का दरवाजा है? ये स्टोर रूम है सर। स्टोर रूम? कार्तिक को लेकर आओ। हाँ सर, चलो। सूरज सर, सर ये तो सूरज है। ये सूरज है कौन? मतलब सूरज को भी मार दिया इन किडनैपर्स ने। गला घोट के मारा गया इसको। ये वही सूरज है ना जिसे तुम जय बनाकर, अपना बेटा बनाकर पार्टी में लेकर गए थे? हाँ सर। भैया क्या हुआ यहाँ? किडनैपर्स ने सूरज को मारकर उसकी लाश को यहाँ इस घर में फेंक दिया जहाँ पर तुमने जय को छुपाया था। और जय की लाश को कहाँ फेंक दिया? फैक्ट्री में। सर मुझे लगता है ये उसी का काम है जिसने मुझे फोन पर धमकाया था। सर वो तो पता लगा ही लेंगे। सचिन, आसपास पता लगाओ, पूछो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या। तो टेलीफोन नंबर दे रहा। सर, मैं आपको सब कुछ तो बता चुका हूँ सर, फिर आप मुझे इधर उधर लेकर क्यों घूम रहे हैं? चोंच बंद रखे, चुपचाप बैठ जाओ, पूछताछ पूरी होने के बाद सब कुछ बताया जाएगा। आप रेडी? अर्जेंटली क्यों बुलाया? सर, जय का खून इस कार्तिक ने किया। सर, सर मैंने कोई खून नहीं किया। सर फिर तो तुम ये भी कहोगे कि जय तुम्हारा बेटा नहीं है? मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा? ये तो तुम ही बता सकते हो। सर, पता चला है कि जय कार्तिक का बेटा नहीं है। वो कार्तिक की पत्नी अंजू के पहले पति से है। क्यों? सच कह रहा है ये? क्या ये सच है? सर, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो जय को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन हम कैसे मान ले कि जय का खून तुमने नहीं किया? सर, मैं सिर्फ अपनी जुबान से बता सकता हूँ और कोई सबूत नहीं दे सकता आपको। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हमें तो लगता है कि असली जय की मौत हुई ही नहीं, बल्कि जो मरा है वो जय का हम शक्ल है। सर ये बात सही नहीं है, जो मरा है वो ही जय है। देखेंगे, फैमिली फोटो भी देखेंगे और पार्टी के भी, तभी तो साफ साफ पता चलेगा। एसीपी प्रद्युमन,
हाँ सड़क है क्या? अच्छा ठीक है ओके। क्या हुआ सर? बॉम्ब फोड़ा सोलंकी ने फ्रेडी। कह रहा था कि असली जय की मौत नकली जय की मौत से पहले हुई है। क्या ऐसा कैसे हो सकता सर? इसका एक ही मतलब हो सकता है, जैसे ही सूरज और कार्तिक उस घर से निकले पार्टी में जाने के लिए, उसी वक्त जय को मारा गया। और जैसे ही सूरज पार्टी में पहुंचा उसे भी किडनैप किया और मार दिया। हाँ, मगर किसने किसने किए ये दो दो खून? किसने? मैडम बुरा ना माने तो आप हमें इस घर के बारे में कुछ बता सकती हैं? अब क्या बताऊं उस घर के बारे में? एक बात है, काफी सालों से बंद पड़ा है। कोई देखभाल करने के लिए तो आता होगा ना उसकी? कोई क्या देखभाल करेगा इसकी, अरे खाली ही तो पड़ा है। अच्छा ये बताइए कि घर के आसपास आपने किसी ऐसे आदमी को देखा जो आपको गड़बड़ लगा हो या आपको स्पेशल हो? हाँ, लेकिन एक दिन एक बड़ी अजीब बात देखी थी मैंने। क्या? अरे एक केबल वाला आया था उस घर में और वो भी रात में। और अब कुछ और देखा? उसके पास एक पीली गाड़ी थी और काफी देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा था। उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, मेरी तरफ तो उसकी पीठ थी। वो अकेला था या उसके साथ भी कोई था? सर जब मैंने उसको देखा तो वो अकेला ही था। सचिन, पता करना पड़ेगा कौन सा केबल ऑपरेटर पीले रंग की वैन इस्तेमाल करता है। एक ही तो सहारा था मेरे जीने का, पता नहीं किसकी नजर लग गई इसको, दुनिया से ही जुदा कर दिया मेरे बच्चे को। कार्तिक कार्तिक सब्र करो, ऊपर वाला सब देखता है। जिसने भी ये किया है उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। सर ये मेरे जय का फोटो है और ये सूरज है, मेरे जय का दोस्त। सूरज को टैटू बनवाने का शौक था क्या? हाँ सर, सूरज को ये सब शौक थे सर, लेकिन मेरे बेटे जय ने कभी टैटू नहीं बनवाया। हमने तो कभी जय को देखा भी नहीं था, हम सब कितने खुश थे कि जय से मिलेंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आप जरा पार्टी का एल्बम दीजिए। जी सर, ये लीजिए, ये सारी फोटोग्राफ्स पार्टी में खींची गई है। ये देखो। पर हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसे ही टैटू है जैसा सूरज के हाथ पे है। कार्तिक सच बोल रहा है सर, पार्टी में जय नहीं सूरज गया था। लगता तो ऐसा ही है। अब आप जरा ये एल्बम रखिए, हम जल्द से जल्द खूनी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कार्तिक संभालो अपने आप को, हमारा शक गलत निकला सर। जायदाद के लिए अगर कार्तिक जय का खून भी करता तो भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। तुम्हारे कहने का मतलब है ये कार्तिक बेकसूर है? हाँ सर। हाँ सचिन, केबल वाला पीली वैन, ठीक है हम लोग आते हैं। मलाड के केबल वाले ने बताया था पीली वैन सिर्फ यही केबल वाले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाहर तो कहीं दिखाई नहीं दी पीली वैन से, आस पास कहीं गई होगी? अभी पता चल जाएगा। कैसा ऑफिस है, कोई दिख नहीं रहा। जी बोलिए, कोई कंप्लेन है?
कंप्लेंट लिखवाने तीन तीन लोग आएंगे क्या? सर एक मिनट। हेलो, केवल काम नहीं कर रहा आपका? ठीक है, मैं आदमी को भेजता हूँ, अब घर पे रहिएगा। पीली गाड़ी से ही जाएगा ना वो केबल ठीक करने? हाँ सर, लेकिन सर आप लोग? सर सीएलई। क्या क्या हुआ सर? बंगलो नंबर 87 खार, तुम्हारा कोई आदमी गया था वहां पे? खार का एरिया मेरे पास नहीं है साहब, वो तो दूसरे केबल वाले के पास में है साहब। एरिया तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम्हारी पीली गाड़ी वहां पे क्या कर रही थी? गाड़ी का क्या साहब, गाड़ियां साहब तो इस शहर में न जाने कहां का घूमती रहती हैं साहब। घूमने की बात नहीं कर रहे हम लोग, उस बंगलो में एक खून हुआ है समझे तुम, और तुम्हारी पीली गाड़ी वहां पे लोगों ने देखी है, तुम्हारा एक आदमी भी था वहां पे। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे आदमी मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाते हैं। तो फिर दिमाग पे जोर डालो, सोचो कौन गया था तुम्हारे यहाँ से वहां पे। सर सर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल वाले उस गाड़ी को लेकर वहां गए होंगे? वो लोग क्यों ले जाएंगे तुम्हारी गाड़ी? दरअसल बात ऐसी है कि हमने अपनी गाड़ी को पार्ट टाइम स्कूल वालों के यहाँ लगा रखी है। सर ड्राइवर से पूछ लो, वो सब कुछ आपको साफ साफ बता देगा। कहाँ है ड्राइवर? बुलाओ ड्राइवर को। सर आने ही वाला है। फोन करो उसे, कहाँ पे है बुलाओ। जी सर। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? बाहर हो? ठीक है अंदर आ जाओ जल्दी। साहब वो बाहर ही है, आ रहा है साहब। आओ आओ श्रीमान, तो तुम हो, तुम्हें तो हमने कार्तिक के बंगलों के बाहर भी देखा था। हमें लगा था कि तुम उसके ड्राइवर हो। ए, रुक जा, ए, रुक। सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मारो क्या गोली, उसके यहाँ लोगों का खतरा हो सकता है, गोली में चला। अभी तो सामने दिखाई दे रहा था ना, कहाँ गया गोली? लाओ मैं लगा के देता हूँ तुम्हारा नंबर। इसने तो पहले रोना शुरू कर दिया, हमने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दे साहब। 5 किलोमीटर दौड़ाने के बाद कहता है मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये बात तू भागने से पहले नहीं कह सकता था? मैं सच कहता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। ये काम करने के लिए मुझे किसी ने पैसे दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है वो, ठीक है ले चलो इसे। सर तुमने देखा ना कार्तिक की क्या हालत हो गई है, बेटे का गम ऐसा ही होता है। बेचारा जय, अरे उसको यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी, अच्छा खासा विदेश में पढ़ रहा था, अगर वहीं रहता तो कम से कम आज जिंदा तो होता। तनु, जिसने भी ये किया है ना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, कानून तो उसका कुछ नहीं करेगा, मगर अगर वो खूनी मुझे मिल जाए तो मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा। गला दबाने की जरूरत नहीं है, खूनी को सजा कानूनी देगा। सर आप लोग यहाँ, खूनी का कुछ पता चला? हाँ काफी कुछ समझ में आ गया है। तो खूनी कौन है? हाँ सर कौन है खूनी? आप लोगों में से जिसे खूनी से ज्यादा गुस्सा है सबसे पहले उसे बताया जाए। मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ खूनी कौन है। क्यों मजाक कर रही हैं तनु जी, आप तो खूनी को अच्छी तरीके से जानती हैं। क्या तनु जानती है खूनी कौन है? जी हाँ अच्छी तरह से जानती है, आप ही पूछिए इनसे। मैं भला खूनी को कैसे जान सकती हूँ? अच्छा हमारे पास एक आदमी है, बेटे
ये है खूनी, ये रमेश है खूनी। मैडम कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? ये क्या कर रहा है ये? बचाओ लोगों से मुझे, जो कुछ भी किया मैंने आपके कहने पर किया मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर इल्जाम लगाने की? सच कहता हूँ सर। छोड़िए सर, देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, खून इन्हीं ने किया है। क्या तुमने ये खून किया है? तुमने? गर्मी काफी ज्यादा है, नहीं मैडम को तो पसीना आ रहा है। हाँ पसीना तो आ रहा है। तो फिर बताइए क्यों करवाया ये खून? प्लीज प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए, प्लीज। आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? क्यों करवाया खून बोलो। मेरे डैडी ने मेरे साथ नाइंसाफी की, उन्होंने ज्यादा प्रॉपर्टी अंजू को और मुझे कम प्रॉपर्टी दी। अंजू? ये अंजू से तुम्हारा क्या लेना देना? अंजू मेरी सौतेली बहन थी और कार्तिक की पत्नी। और ये बात और कौन कौन जानता है? ये बात सिर्फ मैं और अंजू ही जानते थे। और ये कार्तिक, ये भी जानता था ये बात? नहीं। ये चक्कर क्या है? दरअसल मेरे डैडी ने प्रॉपर्टी के दो हिस्से किए थे, ज्यादा जायदाद अंजू को और उसके मरने के बाद ज्यादा दौलत मिली अंजू के बेटे जय को और मेरे बेटे को कम, और ये मुझे कभी गवारा नहीं था। और इसलिए तुमने जय को मारने का प्लान बनाया ताकि पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे बेटे को मिले? हाँ मैंने प्लान बनाया। पार्टी में मैंने सर्कस के लोगों को बुलाया और उन्होंने मौका देखते ही नकली जय यानी कि सूरज को वहां से किडनैप कर लिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए असली जय का खून वहां फर्श पर डाल दिया। और उसके बाद नकली जय यानी सूरज का खून करके उस कमरे में डाल दिया जहां वो असली जय पहले से छुपा बैठा था। हाँ। इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया खून करने के लिए, इतना दिमाग किसी अच्छे काम में लगाती तो आज ये हालत नहीं होती तुम्हारी। पैसों की चमक ने अंधा कर दिया तुम्हें, मगर पाप का घड़ा फट गया। अब जेल की हवा खाओ जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।